हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स हैं, तो इसमें जो पूरे टेन्योर में आपको एक जैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, फ्लक्चुएटिंग रेट होता है। और अभी एट प्रेजेंट इसमें रेट बढ़ाया भी गया है। जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स यानी NSC के साथ लिंक किया गया है। जो NSC का रेट होगा अकॉर्डिंगली इसका रेट डिसाइड होता है। तो दोस्तों, मेरा नाम पुनीत नागपाल है, आई एम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बाय प्रोफेशन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले फीचर्स देख लेते हैं RBI के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के। टेन्योर की बात करें तो 7 साल के लिए डिपॉजिट होता है, 7 ईयर्स का इनका टेन्योर है। जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो 7 ईयर्स के लिए होती है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट टाइप की, तो इसमें आपको लमसम यानी इकट्ठा पैसा डिपॉजिट करना होता है, वन टाइम डिपॉजिट करना होता है, रेगुलर इसमें डिपॉजिट नहीं होता है। कौन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल बच्चों के नाम पर या HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पर भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीनियर सिटीजन ही इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ओपन है ये। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों सिर्फ 1000 रुपीज से भी आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और 1000 के मल्टीपल्स में आप जितना चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं। यानी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की भी कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई है। अब बात कर लेते हैं लिक्विडिटी की, यानी अगर आपको समय से पहले पैसे की जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा। दोस्तों, ये जो बॉन्ड्स हैं ये ना तो ट्रेडेबल हैं, ना ये किसी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है। लोन फैसिलिटी की बात करें तो लोन फैसिलिटी भी एट प्रेजेंट इसमें अवेलेबल नहीं है, तो आप ये सोच समझ के ही इसमें इन्वेस्ट करिएगा। तो ज़्यादा लिक्विडिटी इनमें नहीं है, आप एक तरीके से 7 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। टैक्सेबिलिटी की बात करें तो जो इसका इंटरेस्ट आता है वो भी टैक्सेबल होता है। अगर आपकी इनकम कम है तो 15G या 15H फॉर्म भर के आप अपना टैक्स बचा भी सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या मिल रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट मिलता है, 1 January and 1 July, यानी एवरी 6 मंथ्स आपको इसमें इंटरेस्ट मिलता है। जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से लिंक है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जो भी NSC का रेट होता है उससे 0.35% आपको इसमें ज़्यादा रेट मिलता है। अभी पोस्ट ऑफिस के NSC का रेट इंक्रीज किया गया है, 1 January से पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आप अपने को 7% का रेट देंगे। तो जो RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, वो होगा 7.35, यानी 7% प्लस 0.35, तो 7.35% का आपको इसमें रेट मिल जाएगा 6 महीने बाद। लेकिन ये फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैं, यानी अगले 6 महीने बाद आपको क्या मिलेगा वो आगे ही पता लगेगा। क्यूमुलेटिव ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं होती, आपको 6-6 महीने बाद इंटरेस्ट लेना ही होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 7 साल बाद आप इकट्ठा पैसा ले, तो वो ऑप्शन भी इसमें नहीं है। अब लॉक इन पीरियड की अगर बात करें RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स की, तो प्री मेच्योर रिडेम्पशन सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए अलाउड है, वो भी सम कंडीशंस के साथ, वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन नहीं है तो उनको प्री मेच्योरिटी अलाउड ही नहीं है, पैसा वो नहीं ले सकते। अगर 60 साल से 70 साल आपकी एज है तो 6 साल का आपका लॉक इन है, सिर्फ लास्ट के 1 साल में आप पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपकी एज 70 से 80 के बीच में हो गई है तो लॉक इन पीरियड रहेगा 5 ईयर्स, यानी लास्ट के 2 सालों में आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं, 7 ईयर्स का ये अकाउंट है। अगर आपकी एज 80 ईयर्स एंड अबव है तो आपके लिए 4 ईयर्स का लॉक इन है, लेकिन मतलब लास्ट के 3 ईयर्स में आप इसमें प्री मेच्योर इनको कर सकते हैं। अब प्री मेच्योरिटी पर आपको क्या पेनल्टी लगेगी, कितना नुकसान होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो लास्ट का कूपन पेमेंट होगा, यानी जो लास्ट 6 महीने का आपका इंटरेस्ट होगा, उसका आधा आधा अमाउंट आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, यानी उसके 50% की पेनल्टी आपको लग जाएगी। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या जनरली आपको ये बैंक्स में HDFC ICICI टाइप बैंक में भी आपको ये इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।